नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ, घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई जीरो, यातायात प्रभावित, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में सोमवार को सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली NCR समेत यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी को बरकरार रखा है। साथ ही मंगलवार से कुछ राहत की भी उम्मीद जताई है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी लेट हुई हैं। कांजेवाला केस में पुलिस का दावा, आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह, माना कि कार में फंसी थी युवती, डर के मारे नहीं निकाला। जी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिन रविवार को यह दावा किया है कि सुल्तानपुरी घटना में शामिल आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन लोगों ने खुलासा किया है कि स्कूटी से टक्कर लगने के बाद उन लोगों को पता चल गया था कि युवती कार के नीचे फंस गई है। उसे निकालने के लिए आरोपियों ने कार को दो बार आगे पीछे भी किया था। इसके बाद भी युवती के नहीं निकलने पर वे घबरा गए और कार को तेजी से भगाने लगे। आरोपियों ने बताया कि युवती को उन लोगों ने कार रोक कर नहीं हटाया क्योंकि उन्हें डर था कि वह हत्या के मामले में फंस सकते हैं। युवती को कार से इसलिए घसीटा ताकि वह अपने आप ही निकल जाए। पंजाब में बड़ी वारदात, फगवाड़ा में लुटेरों ने पंजाब पुलिस के गनमैन को मारी गोली। जी आपको बता दें कि कपूरथला के फगवाड़ा क्षेत्र में गैंगस्टरों ने पुलिस के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त पुलिस थाना सिटी के SHO अमनदीप नाहर का गनमैन कमल बाजवा क्रेटा गाड़ी लूटकर भाग रहे गैंगस्टरों का पीछा कर रहा था। लुटेरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और गोलियों लगने से कमल बाजवा की मौत हो गई। अब इंडिगो की फ्लाइट में बवाल, नशे में धुत यात्रियों ने किया हंगामा, दो गिरफ्तार। फ्लाइट्स में बवाल मचने का जो मामला है वो लगातार थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इंडिगो की फ्लाइट में एक विवाद सामने आया जिसमें यात्रियों पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा। इंडिगो की जिस फ्लाइट में यह घटना हुई वह दिल्ली से पटना आ रही थी। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट पर तैनात SHO रॉबर्ट पीटर ने नशे में धुत यात्रियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अमेरिका में मनप्रीत मोनिका सिंह ने रचा इतिहास, पहली बार महिला सिख जज के रूप में ली शपथ। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी जज के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वह अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश बन गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गर्व का दिन है। साथ ही समारोह की अध्यक्षता कर रहे जज ने कहा कि ये सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। एजेंसी के मुताबिक मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में लो नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मोनिका सिंह का जन्म वेपालन पोषण हॉस्टियन में हुआ था और वह अपने पति व अपने दो बच्चों के साथ बेलेयर में रहती हैं। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।